सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बगल में प्रेस करें बेल आइकन बटन को लेटेस्ट वीडियो के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे HS भारत दा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो में एक उपाय बता रहा हूँ जिसके करने से हर कार्य में जो रुकावट आपकी पैदा होती है उससे छुटकारा मिल जाएगा। आपके प्रत्येक कार्य में जो रुकावट है वो दूर होगी। आपको ये उपाय सुबह सबसे पहले करना है और ये आपको कम से कम 11 गुरुवार करना है, यानी 11 बृहस्पतिवार ये उपाय करना है। उपाय को पूरा सुने। इसके करने से आपको बहुत चीज़ों में लाभ प्राप्त होगा, जैसे पुत्र प्राप्ति, धन, शादी, इन सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। तो जिस प्रकार से मैं उपाय बता रहा हूँ आप उसी प्रकार से गुप्त रूप से उपाय करें। उपाय के लिए आपको सिर्फ हल्दी की जरूरत पड़ेगी, इसी से आपको उपाय करना है और हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। उपाय करने के लिए आपको सुबह उठते ही थोड़ी सी हल्दी अपने नहाने के पानी में डाल करके उससे नहाना है, यानी नहाने के लिए जो आप पानी भरते हो बाल्टी में उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। पानी में हल्दी डालने के बाद आपको घर के किसी भी चौकट पर स्वास्थ्य कारनाएं हल्दी से और थोड़ा सा घी मिला करके इस प्रकार से कारनाएं कि वो किसी को नजर ना आए। ये आपको बृहस्पतिवार को सुबह सुबह करना है। इस उपाय को करते समय आपको अपने मुख से ओम बृहस्पति देवताय नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, जो नीचे मंत्र चल रहा है इसको भी बोल सकते हो, ओम बृहस्पति देवता नमः इसको भी बोल सकते हो। यह बोलते हुए आपको 2 या 3 गुरुवार को अशक शुरू हो जाएगा, यानी यह उपाय आप करोगे। इस उपाय के करते ही आपको 2 या 3 गुरुवार में असर देखना शुरू हो जाएगा। ये उपाय देखने में छोटा है लेकिन इसका चमत्कार बहुत ही है। आप उपाय करोगे आपको पूरा लाभ मिलेगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप, हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, हमारी हर वीडियो की जानकारी आपको मिलेगी। अगर आप गुरुवार की पूजा करते हैं तो बृहस्पति देव की पूजा करते समय केले के पेड़ के सामने एक स्वास्तिक चिन्ह जरूर लिखें, स्वास्तिक चिन्ह जरूर बनाएं। ये आपको पूजा करते समय करना है। तो हमें आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी है और लाइक करें, शेयर करें। ओम बृहस्पति नमः। जय बृहस्पति देव की।